अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। तो एक संदेश एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल की तरफ से दिया गया और कहा कि वो एक सच्चे और बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए, यानी लोगों से सीधे तौर पर अपील सुनीता केजरीवाल ने की है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध लगातार हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके बाद विधानसभा के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक, इसमें सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी आपको नजर आएंगी। और विधानसभा में कैसे अब बेड़ी पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक प्रवीण देशमुख, वो तस्वीर दिखाएंगे। पहले ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रवीण देशमुख की, जो बेड़िया पहनकर पहुंचे हैं विधानसभा में, और इसी के साथ मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दोनों तस्वीरें कल आपने देखा था पीएम आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। हालांकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है आपका लगातार प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन इसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश की लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा, और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसे बचा। आज ईडी की भी जगह जगह छापेमारी चल रही है, आम पार्टी की छापेमारी। देखिए ये क्या विडंबना है, इलेक्शन कमीशन जो एक नॉन पार्टिजन बॉडी होती है विपक्ष के राज्यों में होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी बदल देती है, सारे अफसरों को बदल देती है, लेकिन ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के अध्यक्ष नहीं बदल सकती। जब तक चुनाव नहीं होता है क्यों इन इंस्टीट्यूशंस के, क्यों इन एजेंसीज के अध्यक्ष नहीं बदले जाते।